सही कहा है किसी ने कि दोस्त सिर्फ कहने के लिए ही नहीं होते, दोस्ती निभानी भी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक से ये बात क्यों कह रही हूँ, तो मैं बता दूं कि मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि अभी अभी एक दोस्त ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मैं बात कर रही हूँ भाभी जी घर पर है शो की पुरानी अनीता भाभी यानी सौम्या टंडन की। अब दीपेश भान यानी मलखान तो आपको याद ही होंगे, अभी कुछ ही दिन पहले हमने इतने टैलेंटेड एक्टर को खो दिया था और तभी से सिर्फ दीपेश के परिवार वाले ही नहीं बल्कि उनके कॉलीग्स और उनके ढेर सारे फैंस भी काफी अपसेट थे। लेकिन अब ये किसी को नहीं पता था कि दीपेश के जाने के बाद उनकी वाइफ पर फाइनेंशियल बर्डन आ गया था और वो इसलिए क्योंकि उनके परिवार पर 50 लाख का लोन था। लेकिन यहाँ अच्छी बात तो ये है कि इस लोन को चुकाने में भाभी जी घर पर है कि सौम्या टंडन ने उनकी मदद की है। जी हाँ, इस बात को कंफर्म खुद दीपेश भान की वाइफ ने वीडियो शेयर करके किया है। इसके साथ ही उन्होंने सौम्या और भाभी जी घर पर है के प्रोड्यूसर विनय फरकोली को भी काफी शुक्रिया किया है। आई एम नेहा, वाइफ ऑफ एक्टर दीपेश भान, जो मलखान का किरदार निभाते थे भाभी जी घर पे सीरियल में। जुलाई में वो सडनली एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद मैं इमोशनली तो काफ़ी डिस्टर्ब हूँ लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। इस घर का लोन था मुझ पर और कोई वे नहीं था कि मैं कैसे इस घर के लोन को ख़त्म करूँ, क्योंकि ऐसे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि मैं ये घर का लोन ख़त्म कर पाऊँ जो काफ़ी बड़े अमाउंट का था। लेकिन फिर मेरी लाइफ में सौम्या जी आई, सौम्या टंडन, जो भाभी जी घर पे है अनीता का किरदार निभाती थी। उन्होंने मेरी इतनी मदद करी कि आज एक महीने में ही हमने उस लोन को ख़त्म कर दिया। उन्होंने केटो में अकाउंट बनाया, उससे फंड रेज करवाया और एक महीने में इतना फंड रेज हुआ कि वो जो अमाउंट है पूरा हो गया और आज हमने वो जो लोन है वो ख़त्म कर दिया। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि उनको जो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने कर सकूँ। थैंक यू सो मच सौम्या जी और विनायफर मैम, मिसेस विनायफर कोहली। इसी के साथ साथ खुद सौम्या टंडन ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि फंड रेजिंग में 4,300 लोग मदद के लिए आगे आए और उन्होंने करीब 43.52 लाख रुपीस इकट्ठे किए। कई बार हम ये कहते हैं कि हमारा इस दुनिया से विश्वास उठ गया, अच्छे लोगों से विश्वास उठ गया, लेकिन आज मुझे एक बार फिर यकीन हो गया है कि इस दुनिया में अच्छे लोग और अच्छाई ही है जो लोगों को और दुनिया को आगे बढ़ाती है। मैंने लेट एक्टर दीपेश भान के लिए एक फंड रेजर शुरू किया था जिसमें अराउंड 4,300 लोगों ने 43.42 लाख रुपीज डोनेट किए हैं। कुछ रकम डायरेक्टली भी इकट्ठी हुई है जिसको मिलाकर आज हमने बैंक को उनके पूरे होम लोन की रकम चुका दी है। सौम्या टंडन ने वीडियो शेयर कर लोगों को खूब थैंक किया और लिखा, दीपेश हम आपको याद करते हैं लेकिन आप चिंता मत करना, आपका परिवार यहाँ सेफ है। अब ये देखकर तो इस शो के सभी फैंस को सौम्या का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से वो अपने पुराने को एक्टर के परिवार की मदद करने के लिए आगे आई और खुद भी मदद की और उसी के साथ साथ लोगों तक भी उनकी प्रॉब्लम पहुंचाई। अब इसे कहते हैं ना आखिर अच्छा दोस्त। आपको बता दें कि दीपेश भान ने इस दुनिया को 23 जुलाई को अलविदा कह दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ दरअसल क्रिकेट खेलने गए थे और वहीं पर कोलैप्स हो गए थे और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस वीडियो में सौम्या टंडन ने यह भी कहा है कि आज दीपेश जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे कि उनकी फैमिली फाइनली सेफ है। इसी के साथ साथ अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में। और यार ये वीडियो ना लाइक करना और शेयर करना जरूर बनता है क्योंकि यहाँ पर किसी ने दोस्ती का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो इसे लाइक भी करना और सबके साथ शेयर भी करना। टिल देन दिस इज मी तुनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।